पकड़ेंगे, हम मुकदमे ही लेंगे क्या, हम जेल में ही जाएंगे क्या, हम चुनाव भी लड़ेंगे, हमारा काम है आवाज को बुलंद करना, आवाज भी बुलंद करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, एमपी एमएलए भी बनेंगे, और किसान का बेटा माहौल ऐसे रहा तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा। तुम यू चाह रही हो ना उठा मुद्दे, तुम ये चाह रही हो ना उठा मुद्दे, क्या क्या हम कर रही हो, अब जा बताओ ना आप क्या चाहती हो कि मुद्दे ना उठा, मुद्दे उठाना हमारा काम है, ठीक है। किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बेटी नहीं हूँ, गरीब मजदूर किसान की बेटी हूँ, मुझे पता दुख दर्द क्या होता है। तुम्हारी तरह ये नहीं है कि पत्रकारिता को इस तरीके से आप चलाएं, ठीक, क्या आप चाहती है मैं मुद्दे ना उठाऊं, क्या सवाल पूछना गलत चीज है, अलग चीज है सवाल पूछना, मेरा जवाब देना, आपको मैंने जवाब दिया हर बात का बहुत अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस मैच भी खेलेंगे, फाइनल भी खेलेंगे, आपको पता है जब प्रैक्टिस मैच खेला था उसके बाद फाइनल खेला था और सरकार झुकी थी, बिल वापस लिए थे, और ऐसे भी अब फिर होगा। लेकिन उसी दिन एक ऐसी महिला जो 5 महीने की गर्भवती हो, ठीक, गर्भवती होने के बाद उसका बलात्कार होता है, उसकी माँ का बलात्कार होता है, उसके बाद उन दोषियों को छोड़ करके मिठाई खिलाई जाती है, उनके गले में हार डाला जाता है, और एक तरफ लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं का सम्मान, और किसानों की लड़ाई में सबसे पहले आज आप जंतर मंतर पे खड़े हैं, दो धरने चल रहे हैं, दोनों धरनों में सबसे पहले ये देखिए मैं कहाँ पे हूँ, किसानों के साथ हूँ, उधर कांग्रेस का भी धरना चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे किसानों की आवाज बनना है, मुझे किसानों की आवाज को बुलंद करना है, इसीलिए मैं किसानों के यहाँ पे हूँ आंदोलन में। ये बात उनसे पूछो ना, ये बात आप खुद से पूछो, आप ही को तकलीफ हो रही है कि आप तो चुनाव लड़ी है, आप तो कह रहे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम मुकदमे ही लेंगे क्या, हम जेल में जाएंगे क्या, हम चुनाव भी लड़ेंगे, हमारा काम है आवाज को बुलंद करना, आवाज भी बुलंद करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, एमपी एमएलए भी बनेंगे, और किसान का बेटा माहौल ऐसे रहा तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखिए उन्होंने क्या करा, अब आप मेरी बात सुनिए, जब मैंने चुनाव लड़ा उस दौरान भी आप लोग बोलते थे कि अब आप किसानों के साथ नहीं दिखोगी, लेकिन आज तक का आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जहां जहां दो धरने हुए हैं या दो रैली हुई है, मैंने आपने मुझे किसानों की रैली में देखा होगा, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरी पार्टी को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि मैं किसानों के पक्ष में हूँ। देखिए जिन जिन लोगों ने ऐसी हरकतें कर उसको वो कर, उसी के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, हम वो नहीं है कि जाकर के वहां पर वाह वाह लूट करके आ जाए, आज तक भी अगर एक भी आवाज उठाई होगी ना तो हम जैसे लोगों ने उठाई होगी, उस मुद्दे पर हम जैसे लोग बोल रहे होंगे, और हमारा काम है बोलना, हम गांधी जी के देश में है, हम शहीद आजम भगत सिंह के देश में, मंगल पांडे के देश में, लक्ष्मी बाई के देश में, हम क्या करेंगे, हम संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को उठाएंगे, हम अंबेडकर साहब के देश में, हम अपनी आवाज को संविधान को रूप देख करके उठाएंगे, हम आवाज ही तो उठा सकते हैं, अब हम इनकी तरह तो है नहीं कि डंडे लेकर के चले। अग्निपथ के लिए कितनी बार तो मैंने बोल दिया अग्निपथ के लिए, आप एक सवाल को 4 बार पूछ रही हैं। देखिए अग्निवीर से प्रभावित होकर के 65 से 70 बच्चों ने आत्महत्या करी, उसका जिम्मेदार कौन होगा जो लेकर के अग्निवीर आया, क्या सीमा सुरक्षा के आप नजरिए से देखेंगे तो क्या ये सही है अग्निवीर, एक 4 साल में बच्चा स्कूल में बैठना सीखता है, क्या 4 साल में अच्छा सैनिक बनता है, नहीं बनता, 7 से 8 साल अच्छा सैनिक बनने में लग जाते हैं। पैसे के लिए नहीं देश का जवान सीमा पर जाता अपनी शहादत देता, वो देश के अंदर उसके लिए देश के प्रति उसके अंदर जुनून होता है, तब जाकर के वो लड़ाई करता है। देशभक्ति का अलग जगाया जा रहा है। आप एक बात बताइए कितने नेता हैं जो जाएंगे वहाँ, पूछ करके बताना रिंकिया के पापा को छोड़ गए, बहुत कुछ होगा, आंदोलन से तो सरकारें बदली हैं, आंदोलन से तो बिल रद्द हुए हैं, आंदोलन से तो तानाशाह झुके हैं, अभी भी होगा, अभी भी होगा, सरकार झुकी थी कि नहीं झुकी थी इतना बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, आप दीजिए झुकी थी कि नहीं, अभी फिर झुकाएंगे, ठीक फिर झुकाएंगे, क्योंकि ये देश का किसान है, ये अच्छे अच्छे आदमी को जानता है कि इसको किस तरीके से हमें वो करना है। सरकार झुकी थी लेकिन पहले जो आपके मुद्दे थे अब भी वही मुद्दे हैं आपके, तो कैसे अब ना उठा मुद्दे, तुम यू चाह रही हो ना उठा मुद्दे, तुम ये चाह रही हो ना उठा मुद्दे, क्या क्या हम कर रही हो, अब जा बताओ ना आप क्या चाहती हो कि मुद्दे ना उठाना, मुद्दे उठाना हमारा काम है, ठीक है। किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बेटी नहीं हूँ, गरीब मजदूर किसान की बेटी हूँ, मुझे पता दुख दर्द क्या होता है। तुम्हारी तरह ये नहीं है कि पत्रकारिता को इस तरीके से आप चलाएं, ठीक, क्या आप चाहती है मैं मुद्दे ना उठाऊं, क्या सवाल पूछना है गलत चीज है, अलग चीज है सवाल पूछना, मेरा जवाब देना, आपको मैंने जवाब दिया हर बात का बहुत अच्छे तरीके से, क्या मैं नहीं उठाऊं, आप ये चाहती है कि मैं आवाज ना उठाऊं, आप बताइए जवाब दीजिए ऑन कैमरा, आप जवाब दीजिए, हक है ना, तो आप कैसे कह रही है कि आप फिर से उठा रही है, फिर से नहीं, मैं फिर
जाऊंगी। सवाल नहीं समझी आप मेरा सवाल। मुझे दो साल तीन साल हो गए, मैं सवाल ही नहीं समझी आपको, इतना जानती हूँ। अजीब बात कर रही हो। अभी है ना ट्रायल चल रहा, ट्रायल जैसे जैसे ट्रायल होता है ना, ट्रेलर मान लो ट्रायल मान लो, जैसे ट्रायल हुआ था ना अभी पीछे हुआ था जब उसके दौरान जनवरी में ट्रैक्टरों की जो है ग्रीस डाल करके पहिए तैयार करे गए थे, इसी तरीके से यहाँ किसानों को ला करके एक वो चल रहा ट्रेलर, आगे आगे देखो क्या होता है। प्रैक्टिस मैच ही खेलते रहोगे क्या? प्रैक्टिस मैच भी खेलेंगे, फाइनल भी खेलेंगे। आपको पता है जब प्रैक्टिस मैच खेला था उसके बाद फाइनल खेला था और सरकार झुकी थी, बिल वापस लिए थे, और ऐसे भी अब फिर होगा। आप यहाँ बात कर रही है लेकिन वहाँ मोदी जी ने पांच पड़न लिए लाल किले से। देखिए लाल किले से उन्होंने, सभी ध्यान से सुनना मेरी रिक्वेस्ट है, लाल किले से उन्होंने महिला सम्मान की बात करी थी, करी थी ना, लेकिन उसी दिन एक ऐसी महिला जो 5 महीने की गर्भवती हो, ठीक, गर्भवती होने के बाद उसका बलात्कार होता है, उसकी माँ का बलात्कार होता है, उसके बाद उन दोषियों को छोड़ करके मिठाई खिलाई जाती है, उनके गले में हार डाला जाता है, और एक तरफ लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं का सम्मान, और वो जो राज्य, जिस राज्य की बात है ना, ये प्रधानमंत्री जी का राज्य, वैसे देश भी उन्हीं का है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो राज्य उन्हीं का है, क्या वो महिला नहीं थी? क्या लखीमपुर कांड हुआ था वो महिला, वो नहीं थी महिला जिनके पति मर गए थे और वो शहीद हो गए थे, विधवा हुई थी, क्या वो नहीं थी? क्या हाथरस में बेटी का बलात्कार हुआ था अभी 4-6 महीने पहले, थाने की दीवारें चीख चीख करके कह रही थी एक बेटी का बलात्कार हुआ था, उसकी मौसी का भी हुआ था। अरेस्ट किया क्या उनको, पार्टी से निकाला क्या, उनके घर बुलडोजर चला? मेरी बात सुनिए, अभी आपने नोएडा में एक प्रकरण देखा होगा, एक व्यक्ति श्रीकांत ने एक महिला के साथ अभद्रता की के नहीं की, ये अच्छी बात है कि हमने उस बात का विरोध करा, और हम विरोध करते, किसी महिला का कोई आदमी अगर अपमान करेगा तो लाख बार विरोध करेंगे, हमने विरोध किया कि उस व्यक्ति ने महिला का अपमान किया, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ टैनी का घर नहीं ढहता ना उसके घर बुलडोजर चलता। बात ध्यान से सुनिए, पहले श्रीकांत त्यागी की बीवी बच्चों की लाइट बंद कर दी गई, उसके बीवी बच्चों की खता नहीं है ना इसमें, उसके बीवी बच्चों की कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है कानूनी रूप से, बाबा साहब संविधान लिख करके गए हैं संविधानिक रूप से कड़ी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके बीवी बच्चों को सताना, उसके बीवी बच्चों को प्रताड़ित करना, लाइट बिजली बंद कर देना, और जो खाना देकर के थाने में आ रहे हैं उनको भी बंद कर देना, ये कहाँ का न्याय है? ये दुपल्लड़ी बातें क्यों? जब पूरे देश ने निंदा करी श्रीकांत त्यागी के शब्दों की, तो सभी ने करी थी, हमने भी करी थी, हमारी नेता ने ट्वीट किया, हमारी नेता ने विरोध किया, जितने भी हमारे नेता है, लेकिन आज मैं खुद अपने आप से भी अपनी मर्जी से ये बात कहती हूँ कि उसके बीवी बच्चों को जो सताया जा रहा है वो निहायत ही गलत है। देखिए मैं वही कह रही हूँ, अगर श्रीकांत त्यागी जी ने गाली दी है त्यागी ने, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान है, मुकदमा होना चाहिए, कोर्ट तय करेगा, लेकिन उसके बीवी बच्चों को प्रताड़ित करना कितना गलत था। मैम क्या पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करवाना चाहेंगे आप? देखिए जिसने उनकी बीवी के साथ में ऐसा करा, बच्चों के छोटे बच्चों के साथ में ऐसा करा, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम ये बोल सकते हैं कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि महिला का अपमान करा, तो हम एक महिला उसके साथ भी है जिसका कोई कसूर नहीं है और जिसके बच्चों की लाइट बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, हम उसके साथ भी है। पूछना चाहूंगी अब आंदोलन कहाँ होगा, जगह जगह आंदोलन यही होवेगा, अड़ी होवेगा, दिल्ली में होवेगा, दिल्ली में होगा, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे होवेगा, पूरे देश में होवेगा, यही होवेगा आंदोलन, यही होवेगा, बॉर्डरों पे जाने दिया जाएगा पहले, जगह जगह तो बैरिकेडिंग है, कितने भी मैंने आपको बोला ना, कल अरेस्ट किया गया था, मधुबिया थाने में ले जाया गया जब वो गाजीपुर से एंट्री कर रहे थे। जी मैं बस यही बोलूंगी कि ये जो जो किसानों की आवाज उठाएगा, जो जो मजदूरों की आवाज उठाएगा, ये उनको अरेस्ट भी करेंगे, ये इन पे मुकदमे भी करेंगे, ये उनके मनोबल को भी तोड़ेंगे, लेकिन इन चीजों से इस किसान का मनोबल नहीं टूटने वाला है, इन चीजों से, ये अरेस्टिंग कर रहे हैं, इनसे क्या मनोबल टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। अगर इस चीज को कल हुई थी ये वारदात, और आप देखिए हजारों किसान दिल्ली में, अगर इन ये मनोबल तोड़ना चाहते थे लेकिन इनकी जो वो स्थिति है वो फेल हो गई। पूनम जी मेरा सवाल वही रहेगा, आंदोलन अब होगा कहाँ, जगह जगह बैरिकेडिंग लगेगी? पूरे देश में होगा, पूरे देश में।